आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आदर्श जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आदर्श जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब काफ़ी कम गांव देहातों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची थी, और अगर अंदाजन कहा जाए तो ये करीबन 28 साल पुरानी बात है। उन दिनों मेरे दोस्त के चाचा जी की शादी लगी थी, जिस वजह से मैं और नील यानी मेरा दोस्त ज़्यादातर शादी के काम में ही मसरूफ रहा करते थे। सारी रस्मों के बाद अब बस बारात जाना ही रह गया था। बारात के एक दिन पहले वाली रात ही नील ने मुझे बारात जाने का बोल दिया था। मैंने शादी के सारे कामकाज में नील का हाथ बटाया था, और अगर बारात नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा, जिस वजह से मैंने बारात जाने के लिए हाँ बोल दिया। अगले दिन दोपहर 3 बजे तक मैं नील के घर पहुंच गया। घर के बाहर खड़ा मैं और नील उस बस के आने का वेट कर रहे थे, जिसमें हम सारे बाराती लड़की वालों के यहाँ जाने वाले थे। यही कोई 10-15 मिनट बाद बस ठीक हमारे सामने आकर लग गई। अब बस को यहाँ आए हुए करीबन आधा घंटा जैसा हो गया था, मगर अब भी बस की सारी सीटें उसी तरह से खाली थी जैसा कि बस के आते वक्त थी, यानी अब तक कोई भी बाराती बस में आकर नहीं बैठा था। ऐसे ही इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, मगर अब भी घर से निकलकर ना ही कोई बाराती आ रहा था, और ना ही कोई ये बोलने वाला कि देर क्यों हो रही है। बस के बाहर खड़ा मैं बस के भीतर ड्राइवर का मुंह देखे जा रहा था। ड्राइवर भी अब परेशान होने लगा था। करीबन 1.5 घंटे का लंबा इंतजार करवाने के बाद सारे बाराती एक एक करके बस में सवार होने लगे, जिनके साथ ही मैं और नील भी बस में आकर बैठ गए। सभी लोगों के बस में बैठते ही भगवान का नाम लेकर बस को आगे बढ़ा लिया गया। हमारी बारात जिस गांव में जा रही थी वो गांव यहां से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था, लिहाजन हमें अभी वहां पहुंचने में वक्त लगने वाला था। अब तक लगभग शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी बस हो ही गया था। मैं और नील यहाँ वहाँ की बातें करते हुए बस में किसी तरह से टाइम पास कर रहे थे। अब तक हमने तकरीबन आधा सफ़र यानी 125 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। बस अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते पर आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही तेजी से चल रही हमारी बस झटका खाने लगी, जिससे बस में सवार सारे बाराती आगे की तरफ झुकने लगे। चूँकि मैंने तो कुछ पकड़ नहीं रखा था, जिस वजह से मैं सामने वाली सीट से जा टकराया, और 2-4 झटकों के बाद ही बस भी बंद पड़ गई। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक ही बस को क्या हो गया। 2-4 बार ड्राइवर ने भी बस को चालू करने की कोशिश की, मगर बस थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बस चालू नहीं हुई तो ड्राइवर बस से नीचे उतरा, जिसके साथ ही बाकी के कुछ लोग और मैं भी नीचे उतर गया। चूंकि मैं तो पहली बार किसी बस को खराब होते देख रहा था, तो मैं तो बिल्कुल हैरत में था। ड्राइवर ने बस के सामने की तरफ बर्नट खोला और इंजन को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर इंजन को ध्यान से देखने के बाद पता नहीं उसने इंजन में अपना हाथ डालकर क्या किया, और फिर बस में जाकर बस को स्टार्ट करने लगा। तो एक दो बार में ही बस ऑन हो गई। इसके साथ ही मैं और बाकी के लोग बस में वापस अपने सीट पर आ गए। अब बस हम उस गांव से थोड़ी ही दूर पर थे। रात गहरी होती जा रही थी। मैंने नील के हाथ घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में बस उस गांव में पहुंच गई। बस के रुकते ही हम लोग बस से नीचे उतरने लगे। उस गाँव के सिर्फ शादी वाले घर को छोड़कर पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ना ही कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई खुली दुकान। बस से उतरने के बाद सारे लोग शादी वाली घर की तरफ बढ़ने लगे।
और मैं और नील किसी दुकान की तलाश में गांव की दूसरी तरफ बढ़ने लगे। दरअसल हम दुकान इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें सिगरेट पीना था, और सबके सामने तो हम सिगरेट नहीं पी सकते थे। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस पूरे गांव में एक भी खुली दुकान हमें नज़र नहीं आ रही थी। किसी भी दुकान को ना पाकर हम लोग वापस शादी वाले घर की तरफ बढ़ने लगे कि मेरी नज़र पास ही में बैठे एक पेड़ के नीचे एक आदमी पर गई। उस आदमी के थोड़ा करीब जाने पर पता चला कि वो सिगरेट पी रहा है। उसे सिगरेट पीता देख हम उसके पास गए और एक एक सिगरेट मांगते हुए कहा, चचा तनिक सिगरेट पिलावा। जिस पर वो आदमी ने पहले तो कुछ देर तक हमारा मुंह देखता रहा और फिर सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, ये लो। मैंने उसके हाथों से वो दो सिगरेट उठाए और कहा, माचिस? जिस पर उस आदमी ने कहा, माचिस नहीं है। मुझे उस आदमी की ये बात थोड़ी खटक सी रही थी कि अगर इसके पास माचिस नहीं है तो फिर इसने सिगरेट कैसे जलाया। इसी बीच नील ने मेरे कानों में धीरे से कहा, ये साला माचिस देना नहीं चाह रहा। नील ने अभी मेरे कानों में ये कहा ही था कि वो आदमी बोला, कहा ना माचिस नहीं है, नहीं देना रहता तो सिगरेट भी नहीं देता, वो सामने घर से माचिस मांग लो। उस आदमी से ये सुनकर मैं हैरान था कि नील ने तो मेरे कानों में धीरे से बोला था तो फिर इसे कैसे पता चल गया। खैर मैंने उस आदमी से कहा, अरे चचा भड़क कह रहे हो, जा रहे हैं। उस आदमी के कहे मुताबिक हम लोग सामने वाले घर की तरफ बढ़ने लगे। उस घर के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला, जिसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, दादा वो उन्होंने माचिस यहाँ से लेने को कहा। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, किसने? उस बूढ़े आदमी के ये बोलते ही मैंने पेड़ की तरफ पलट कर देखा तो अब वहाँ वो आदमी नहीं था। मैं वापस उस बूढ़े आदमी की तरफ पलटा और उसे बताते हुए कहा, अरे वही आदमी जिसके गाल में मसा था और उसकी एक उंगली नहीं थी, यहीं तो था अभी कहाँ चला गया। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने हमें घर के अंदर आने को कहा और फिर एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहीं वो आदमी ऐसा तो नहीं दिखता था। मैंने दीवार पर टंगी उस फोटो की तरफ देखा तो वो उसी मस्से वाली आदमी की फोटो थी, मगर ये क्या, उस आदमी के फोटो के ऊपर फूलों की माला लटकी थी। आगे उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो मस्से वाला आदमी इनका बेटा था और ज़्यादा सिगरेट पीड़ी पीने की वजह से उसे कैंसर हो गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा इसी गांव में भटकती है। ये सुनने के बाद मैंने अपने जेब में हाथ डाला जहां मैंने उससे लिया हुआ वो सिगरेट रखा था, मगर मेरे जेब में अब कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से मैंने सिगरेट बीड़ी पीना ही छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। तो दोस्तों ये थी आदर्श जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।